नमस्कार दोस्तों, इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम समय में किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कैसे बदलेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑटोकैड खोलिए और ऑटोकैड खोलकर 2D में कोई छोटा सा प्लान बना लीजिए। उसके लिए आपको यूनिट सेट करना जरूरी होता है। यूनिट लिया, मैं आर्किटेक्चर में ही कर रहा हूं कि आपको सहूलियत होगी। डी इंटर मॉडिफाई आर्किटेक्चरल 0 फीट 0 इंच के सेट करें लाइन में आपने यहां लिया 50 फीट 50 फीट इंटर जेड। अब यहां पे देखा जाएगा कि एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेते हैं, एक्स लाइन को हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं 0 फिट कमा 0। एक्स लाइन इस पर वर्टिकल ले लेते हैं, ये भी हम लोग 0 फिट कॉमा 0 फिट पे लेते हैं। ठीक है, अब जेड इंटर ये इंटर करते हैं, यहाँ से हमारा प्लान शुरू हो जाएगा। एक शेप ले लेते हैं REC करके, यहाँ से एट द रेट 30 फिट कॉमा 20 फिट 25 ले लेते हैं, फार बेटर रहेगा। ठीक, जेड इंटर ए इंटर जेड इंटर ए इंटर। ठीक है, ये हमारा एक प्लॉट मिल गया। अब हम कंस्ट्रक्शन लाइन को चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं। ठीक है, अब सीधे जाएंगे व्यू कमांड लेकर के 3D में चले जाएंगे। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे, सेट करेंट अप्लाई और ओके करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम आउटर ये लेंगे। ठीक है, इनर हम लोग कुछ नहीं बनाना है। ऑफसेट हम इसका कर लेते हैं एक्सप्लोर करके, पहले ऑफसेट 9 इंच का कर लेते हैं चारों तरफ। ठीक है, के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है, 13 फिट 1 इंच है। ठीक है, अब ठीक है,
हाइट 1 इंच का है, काफी आसान होता है। ऑफसेट ट्रिम इसी सारे प्लान बनते हैं, ठीक है। पहले से प्लान होता तो केवल 3D बनाना होता, लेकिन शुरू किया है तो अब इसे एक एक करके खत्म करना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक छोटा सा प्लान हो गया, अब इसको लेके हम काम करना शुरू करें, ठीक है। हमें यहाँ पे कॉलम की जरूरत पड़ेगी तो कॉलम डालेंगे, ठीक है। चूंकि हम यहाँ क्विकली बनाना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि सीधे सीधे जो जरूरी कमांड है उसे दिखाते चले जाएं। कमांड यूज करते हैं प्रेस पुल, ठीक है। एक बार में हमने इसको पकड़ा और 11 फीट हाइट दे दिया, ठीक है। क्या किया हमने, इसे सीधे सीधे 11 फीट हाइट दे दिया बीएस इंटर, और अगर इंटर कर देते हैं, ये देखिए हमारा आउटर आउटर तैयार हो गया है, इजी है, ठीक है। अब सीधे हम REC करेंगे, रेक्टेंगल, यहाँ पे एक बेस क्रिएट करेंगे और नीचे प्लिंथ के लिए हम लोग इसे एक्सट्रूड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस में 3 फीट ले लेते हैं, इजी है। बिल्कुल नए से नए आदमी भी इसे आसानी से, बिल्कुल जो नया नया सीख रहे हैं अभी वो भी आसानी से बना सकते हैं।
अब आते हैं कि हमें विंडो प्लेस करने हैं, क्या करने हैं, विंडो प्लेस करने हैं, तो सीधे हम लोग यहां प्लेस करने हैं, एफ एट ऑन किया, ठीक है, 2 फीट 6 इंच सील लेवल होता है, यहां से हम लोग क्रिएट कर लिया है लाइन से। अब इसको हम लोग प्रेस पुल कमांड से, प्रेस पुल, ऐसे वेरियस कमांड है लेकिन प्रेस पुल काफी इजी है और इस कमांड से हम लोग जिधर भी विंडो काटना चाहे हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। इसी की कॉपी हमें चाहिए सेम विंडो की, बार बार चाहे तो बना भी सकते हैं, नहीं तो सीधे इस लाइन को लेके चलेंगे और जहां जहां प्लेस करना होगा प्लेस कर देंगे। प्रेस पुल कमांड फिर दीजिए, जरूरत के हिसाब से रोटेट करके हम बना सकते हैं। अब जो लाइनें हैं काफी आसान है, ठीक है, ये रहा। कमांड दे करके बाकी जिस दिशा में और घुमाना चाहे सेट करें, अप्लाई, ओके, ठीक। इस तरह से हमें दिख रहा है कि अब इस क्षेत्र में बाकी रह गया तो हम यहां भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि विंडो यहां से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। और कोई जरूरत नहीं है, नया सिरे से बना लीजिए। मेजरमेंट का ध्यान रखना है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको सीधे तौर पे दिखा रहा हूं इसलिए मैं विशेष तौर पे कोई ध्यान नहीं रख रहा हूं कि यहां कहां से बनना चाहिए। ठीक है,
प्रेसपुल। प्रेसपुल काफी ही फायदेमंद कमांड है, काफी काफी इजी है काम करना इसके साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने यहाँ प्रेसपुल का यूज दिखा दिया है। आप चाहें तो प्रेसपुल के अलावा एक्सट्रूड है, पॉली सॉलिड है, ये सारे कमांड यूज करके भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रेसपुल काफी इजी लगता है। अगले में मैं एक्सट्रूड वगैरह के बारे में बात करूंगा। ठीक है, और विंडो कैसे बनाया जाएगा इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि अपनी जरूरत के हिसाब से व्यू ऑप्शन को ले लीजिएगा और चारों तरफ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये सब घुमा घुमा करके सारे ड्राइंग को दिख रहा है ऐसे आप बना सकते हैं। प्रेसपुल काफी ही अट्रैक्टिव कमांड है। इसके बाद यहाँ पे स्टेयर लगाना है, प्रेसपुल से भी हम लोग कर सकते हैं, एक्सट्रूड कमांड से भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिजाइन चाहिए जैसा भी डिजाइन चाहिए हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो एक छोटा मोटा आप लोगों का एक विजुअल ट्रेनिंग हो गया कि आप इसको देखें और कम से कम इतना करने की कोशिश करें। बाकी चीजें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब हम 3D में काम करते हैं तो वैसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसमें 2D ऑब्जेक्ट को 3D बना लेते हैं, सरफेस को 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन एक चीज है जिसमें हम लोग डायरेक्ट 3D कमांड को दे करके और 3D बनाते हैं, जिसमें बॉक्स हो गया, स्फीयर हो गया, वेज हो गया, टोरस हो गया, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको हम लोग डायरेक्ट 3D में कमांड दे करके बनाते हैं। अब आते हैं ऑटोकैड स्क्रीन पर। पहले हम इसके यूनिट पैरामीटर को सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जूम ऑल कर लेते हैं, जेड इंटर एंटर, और आते हैं 3D कमांड। 3D इंटर करते हैं, लोअर वर्जन में 3D इंटर करते हैं, बाकी में हम डायरेक्ट बॉक्स और डोम कोन 30 इस तरह के कमांड दे करके कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, कमांड देने से पहले हम स्क्रीन को क्यों ना 3D में चेंज कर लें। तो व्यू कमांड देंगे, वी इंटर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे जाएंगे, सेट करंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा UCS X Y Z तीनों यहाँ पे विजिबल हो गया। विजुअल स्टाइल को हम लोग रियलिस्टिक कर लेंगे, R इंटर, VS इंटर, R इंटर। ठीक है, इस तरह से हमारा स्क्रीन हमारे सामने आ गया। अब आते हैं कि हम लोग 3D कमांड देते हैं जिसमें आपको पहला ऑप्शन है बॉक्स का। तो बॉक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी इंटर करेंगे। बॉक्स के लिए बी इंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ऑफ बॉक्स। ठीक है, हमने कहीं यहां से क्लिक किया। ठीक है, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ हमने यहां पे 10 यूनिट दे दिया, 10 इंटर। स्पेसिफाई विड्थ ऑफ बॉक्स, ठीक है, अंडू कीजिए, इसे लेते हैं वन 3D इंटर, बी इंटर, फर्स्ट कॉर्नर ले रहे हैं, इसके बाद लेंथ ले रहे हैं 50 लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखे, विड्थ ऑफ बॉक्स और क्यूब, विड्थ इसका ले लेते हैं 50 यूनिट। इफेक्ट ऑन कर लेते हैं, हाइट ऑफ बॉक्स 50 ले लेते हैं। ठीक है,
इस प्रकार हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है, फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करके बाय लेयर इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से बॉक्स हमारा बन गया 3D कमांड से। फिर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि बॉक्स में क्या लेंथ विड्थ के अलावा भी ऑप्शन है। हमने यहाँ क्लिक किया है, ठीक है, लेंथ ऑफ बॉक्स हमने 50 ले लिया, नो प्रॉब्लम। अब कहता है विड्थ ऑफ द बॉक्स, हम विड्थ के बजाय सीधे यहाँ पे क्यूब का ऑप्शन है, क्यूब लेते ही लेंथ विड्थ और हाइट तीनों एक जैसा हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है। अब हम यहाँ पे कहीं पे भी इसे क्लिक कर देंगे, ये फिक्स हो गया। ठीक है, इस तरह से देखेंगे कि हमने बॉक्स कमांड लिया, लेकिन बॉक्स के साथ साथ हमने क्यूब लिया, जिसकी वजह से हमें लेंथ और विड्थ नहीं लेना पड़ा। सिमिलरली फिर 3D कमांड लेते हैं, इस बार बॉक्स लेते हैं, कॉर्नर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ बॉक्स हमने 50 ले लिया। अब हम विड्थ ऑफ द बॉक्स 50 ले लेते हैं। ठीक है, अब हाइट लेना है, हाइट हमने 50 ले लिया। ठीक है, अब रोटेशन एंगल पूछ रहा है कि रोटेशन एंगल हमें लेना है, रोटेशन एंगल हमने 45 ले लिया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा 45 डिग्री रोटेशन एंगल पे। ठीक है, नेक्स्ट कमांड हमारा 3D के अंदर ही आता है, वो है कोन कमांड। सी इंटर करेंगे, सेंटर पॉइंट ले लेंगे, सेंटर पॉइंट जहां से हमें इसे बनाना है, हमने यहां पे सेंटर ले लिया। रेडियस फॉर बेस ऑफ कोन, रेडियस हमने जितना लेना था 20 यूनिट हम ले रहे हैं रेडियस। उसके बाद पूछता है टॉप रेडियस, टॉप रेडियस हमने थोड़ा कम लेना है, हमने 5 ले लिया। हाइट ऑफ रेडियस हमने फिर 30 ले लिया। अब सेगमेंट चाहिए दोनों तरफ, कितने भाग में वो बंटकर बन रहा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 16 ऑलरेडी है कोन में, तो हम 16 ही रख लेते हैं। इस तरह से ये सारे सेगमेंट है, जितने यहाँ पे विजिबल है वो क्या है, सेगमेंट है। इसको हमने बाई लेयर कोई कलर दे दिया। इस तरह से हम कोन का निर्माण कर लेते हैं। अब आते हैं अगला कमांड जो है हमारा, वो 3D के अंदर ही है, वो है हमारा डिस। डिस हम लोग सभी जानते हैं कि हाँ, एक एंटीना जो होता है उसका शेप कैसे होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ मुंह खुला रहेगा, टोकरी की जैसा शेप होगा। स्पेसिफाई सेंटर हमने ले लिया, यहाँ पे रेडियस हमने यहाँ पे 20 या 30 जो भी लेना है ले लेते हैं। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेगमेंट 16 है, जिस तरह से बुनाई होती है सरफेस की, 16 रख लेते हैं। और इंटर नंबर ऑफ लैटिट्यूडिनल, ये भी हम 16 ही रख लेते हैं, 8 है उसके बजाय। ठीक है, इस तरह से हमारा शेप ये क्रिएट हो गया, जिसे हम लोग डिस कमांड कहते हैं या डिस का शेप कहते हैं। ये सरफेस जैसा दिख रहा है, सरफेस कमांड ही है, इसकी जहां जरूरत पड़े वहां पे यूज करनी चाहिए। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डोम कमांड, 3D इंटर अगला ऑप्शन है, DO इंटर डोम। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट क्लिक कर दिया हमने, रेडियस हम ले लेते हैं डोम का 30 ले लेते हैं, जितना पहले में लिया था। लॉन्गिट्यूडनल सरफेस 16, लैटिट्यूडनल हम लोग फिर 16 ले लेते हैं, दोनों बराबर रखते हैं। इस तरह से हम ऊपर से नीचे की तरफ ये बन गया गुंबद जैसा। इस शेप का हम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद इस तरह की चीजों में जो गुंबद बनता है उसमें हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले लेशन में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ 3D से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर 3D कमांड के अंदर ही आते हैं, मेस लेते हैं, डोम के बाद है मेस। एम इंटर फर्स्ट कॉर्नर ऑफ पॉइंट ऑफ मेस हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया।
अब कहता है सेकेंड कॉर्नर, इसको हम सीधे डिस्टेंस देते हैं 20 फीट ले लेते हैं, फोर्थ कॉर्नर 20 फीट ले लिए। अब कहता है कि हम इसको दोनों तरफ से एम साइज और एन साइज में जो इसे बीव करेंगे, बुनाई करेंगे, तो इस संख्या कितना कितना दें है? तो हमने यहाँ पे 15 ले लिया, इसमें भी 15 ले लिया, 15 15 लंबाई में, 15 चौड़ाई में बुनाई हो गया इसका, इस तरह से मेस सरफेस क्रिएट हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग सरफेस के जो भी यूज होंगे उसके लिए हम लोग बनाएंगे और सरफेस के तौर पे इसे हम लोग एडिट करेंगे। नेक्स्ट कमांड फिर 3D के अंदर ही आते हैं, जिसमें हम लोग प्लस पिरामिड ऑप्शन है, पी इंटर करेंगे, फर्स्ट इनिशियल लेटर, फर्स्ट कॉर्नर हमने क्लिक कर लिया। ठीक है, हमने एक लेंथ ले लिया, सपोज हमने 20 ले लिया है, सेकंड के लिए भी हमने 20 ले लिया, ठीक है, फोर्थ के लिए भी 20 ले लिया। अब एपेक्स पॉइंट पे हम जाते हैं, ठीक है, टॉप ले लेते हैं हम टी इंटर, इसका भी हम लोग एक पर्टिकुलर लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने शेप क्रिएट किया है जो पिरामिड का शेप है। ठीक है, नाउ वंस अगेन 3D कमांड, 3D में अब मिलेगा हमें स्फीयर का ऑप्शन, स्फीयर गोला बनाता है, सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे कहीं भी, क्लिक किया, रेडियस ले लेते हैं हम लोग 20 ले लेते हैं रेडियस, लॉन्गिट्यूडनल सरफेस पे भी 16 सेगमेंट लेते हैं और लैटिट्यूडनल पे भी 16 लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा गुंबद तैयार हो गया, हमारा ये स्फीयर तैयार हो गया गोला। ठीक है, जितना हम लोग सरफेस का सेगमेंट बढ़ाएंगे उतना ये स्मूथ दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इसमें इसमें हम लोग 3D कमांड देंगे, इसके बाद हम लोग टोरस कमांड देते हैं, टी इंटर करते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ टोरस ले लेंगे, ले लिया। अब कहता है इससे है रेडियस ऑफ टोरस, रेडियस हमने ले लिया, टोरस का रेडियस 30 ले लिया। ठीक है, और ट्यूब का रेडियस हम लोग कम लेते हैं, 4 ले लिया, सेगमेंट 16 इसका भी और 16 उसका भी ले देते हैं। इस तरह से जैसे साइकिल का चक्का होता है, पहिया का, दो पहिया का, उस तरह से एक आपने निर्माण कर लिया है। ठीक है, ये हो गया टोरस। नेक्स्ट ऑप्शन 3D में ही लेते हैं हम लोग, वेज लेते हैं, कुल्हाड़ी जैसा शेप होगा, डब्ल्यू इंटर, कॉर्नर पॉइंट ऑफ वेज, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट ऑफ वेज हमने क्लिक किया, साइज ले लिया, विड्थ ले लिया 20, अब हाइट ले लेते हैं 15 ले लेते हैं, हम लोग एंगल नॉर्मल रखते हैं, वन सेकेंड इसको करके देखें, 3D इंटर, W इंटर, 20 20 30, कोई भी एंगल दे दीजिए, 30 एंगल दे दीजिए, इस तरह से हमारा वेज क्रिएट हो गया। इसका वाइज लेयर हम लोग कलर बदल देंगे। अब आते हैं कि इतने सारे हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैसे दिखेंगे इनको विजुअल स्टाइल में, हम लोग कैसे देखेंगे। विजुअल स्टाइल का कमांड होता है VS इंटर, 2D में देखना है तो 2 इंटर किया, इस तरह से 2D वायरफ्रेम हो गया, फिर VS इंटर किया, अगर हम लोग 3D वायरफ्रेम में देखना चाहते हैं तो 3 इंटर करेंगे। ठीक है, VS इंटर, 3D हिडन में करेंगे तो
तो h हो जाएगा, क्या हो जाएगा h, ठीक है। तो पीछे की जो लाइनें हैं वो छिप गई है, फिर रियलिस्टिक में r इंटर ओरिजिनल का शो करता है। नेक्स्ट वन यस करंट, कंसेप्चुअल में सी करेंगे तो कंसेप्चुअल कलर दिखाएगा और बाकी चीजें इसमें और कुछ खास नहीं है। फिर अगले वीडियो में मैं बाकी 3D के बारे में चर्चा करूंगा। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा कि आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाऊं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं इसमें भूमिका नहीं डालता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि कंटेंट ओरिएंटेड चीज़ें हैं, इसमें सीधे कंटेंट की बात होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लीजिए, कमांड से काम करने का यही फायदा है कि आपको इंटरफेस स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें 3D कमांड इंटर कर रहे हैं, जैसे अपर वर्जन में आएंगे 13-14 में, तो हो सकता है उसमें 3D ना ले, सीधे हम लोग बॉक्स कमांड डालेंगे, सीधे हम लोग स्फेयर कमांड डालेंगे, ठीक है। मेथ से भी रिलेटेड उसमें सेम चीज़ें हैं, तो आप इस कमांड को याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही सहूलियत होगी। सो हैव ए नाइस टाइम, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।